हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडे आई डिस्कस एट द केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के केमिकल रिएक्शन से पहले हम आपको बता दें कि मैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड यूनिट फर्स्ट के टॉपिक केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन पर बात करेंगे। मेरा नाम रमेश प्रजापति है। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर बेंजीन की बात करते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यह C6H6 बेंजीन का फार्मूला होता है। ये अपना एक हाइड्रोजन है। अगर इस अपने हाइड्रोजन को ये रिलीज कर दे, हटा दे, ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन को हटाएगा यानी पॉजिटिव चार्ज देगा। तो यहां से हम एक एडिशन करेंगे पॉजिटिव चार्ज का है। इट मींस कि ये इलेक्ट्रोफाइल अगर यहां कोई सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो यहां से ये हटेगा और हम यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक चीज तो ये होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसी हाइड्रोजन को हटाकर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर एक को हटाता है तो मोनो सब्स्टिट्यूशन, अगर इस तरह से दो को रिप्लेस करता है और दो ग्रुप या एटम सब यहां अगर ऐड होते हैं तो उनको हम डाई सब्स्टिट्यूशन के नाम देने लगते हैं। दूसरा चीज इसमें आता है इनके केमिकल रिएक्शन कैसे जनरेट होते हैं। यहां देखिए डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड का अगर क्लीवेज हो जाए, विदलन हो जाए, तो यहां देखिए विदलन होने पर जानते हैं कोई ना कोई ये बॉन्ड बनेगा और एक्स वाई आर कुछ यहाँ जुड़ना है तो इस तरह से जुड़ जाता है। इसका मतलब कि ये एडिशन रिएक्शन संपन्न होता है। एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई यहाँ ऐड हो रहा है। एडिशन रिएक्शन का जो मेन रीजन होता है एडिशन रिएक्शन ड्यू टू पाई बॉन्ड। जो ये पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड के कारण ही यहाँ एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोक्सीलेशन और हैलोजनेशन रिएक्शंस को देखते हैं। इसके बाद आइए हम यहां से देखते हैं कि ये है अपना बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंजीन। बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल यहां इसके हाइड्रोजन पर अटैक करता है, ये यहां से रिमूव हो जाता है प्लस के रूप में। ये हमारा जो बेंजीन बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूट करके, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनता है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, इन बेंजीन व्हेन वन हाइड्रोजन आयन इज रिप्लेस विद एनी अदर इलेक्ट्रोफाइल, यानी व्हेन बेंजीन इन बेंजीन व्हेन वन हाइड्रोजन आयन इज रिप्लेस बाय एनी इलेक्ट्रोफाइल या कार्बोकैटायन बेंजीन रिएक्ट विथ HNO3
in the presence of concentration, concentrated H2SO4 give nitrobenzene in the water. Second, देखिए, sulfonation, benzene H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है concentrated H2SO4 की उपस्थिति में. तो यहाँ H2SO4 को देखिए हम दो तरह से इस तरह से, ये H2SO4 है, इसको 2H plus SO4 double negative में हमने डिसोसिएट कर दिया, तोड़ दिया. इसके बाद यहाँ देखिए H2SO4 को OH minus और SO3 H ये प्लस चार्ज में उड़ गया. तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया. यही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आकर बेंजीन रिंग के ऊपर, जहाँ से हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हुआ था, यहाँ आकर ही सब्स्टिट्यूट हो गया. तो इस तरह से ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया और जल बन जाता है. तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिएक्ट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 गिव सल्फो बेंजीन, जिसका नाम हो जाएगा सल्फो बेंजीन, अगर सल्फोनिक ग्रुप लग गया तो. इस तरह से नेक्स्ट हो जाता है फ्रिडल प्राप्तक एल्काइलेशन. फ्रिडल प्राप्तक एल्काइलेशन में एक खास चीज होता है कि कोई भी हेलो एल्केन जुड़ जाएगा, या हेलो एल्केन का डिवीजन आप यहां से देख सकते हैं, CH3 I, CH3 पर पॉजिटिव चार्ज और I पर नेगेटिव चार्ज. तो यहां पर जो ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा CH3 बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन आयन के रिप्लेसिंग प्लेस पर आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाता है. इस तरह से बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगने पर ये टॉलुइन बन जाता है और अपना ये जो H है और I है, हाइड्रोजन हाइड्राइड यहाँ बाहर निकल जाता है. और नेक्स्ट आता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन. एसाइलेशन का मतलब एसिड क्लोराइड CH3C(OCl) की अभिक्रिया अगर हम बेंजीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये बन जाता है. इसका पहले भी उसी तरह से डिसोसिएशन करेंगे. देखिए CH3C(OCl), यहाँ Cl का क्लीवेज हो जाता है, मतलब हो जाता है, अलग हो जाता है. ये जब क्लीवेज हुआ तो इस तरह से हमको मिल गया CH3(O) और प्लस Cl-. तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है CH3C(O), इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं रिप्लेसिंग प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन आयन. यहाँ रिप्लेसिंग प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन आयन कर दिए तो एसिल बेंजीन इसका नाम हो गया. उसके बाद आता है, अगर इसको अगर एक शब्द बोलना चाहें तो हम बोलेंगे बेंजीन रिएक्ट विद एसिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव एसिल बेंजीन एंड HCl. इस तरह से बोलेंगे. फिर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है हैलोजनेशन. हैलोजनेशन में क्या है, अपना कोई भी हैलोजन, यहाँ पर हम क्लोरीन लेते हैं, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया कराने पर हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाता है. ठीक है, तो इस तरह से हमें केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन प्राप्त हो जाता है. थैंक यू बच्चों. अगर इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं. मेरा नंबर है 7982 752 6002. इसे आप YouTube पर भी देख सकते हैं, DRXRAMESHPRAJAPAPI रमेश प्रजापति, DRX रमेश प्रजापति. अगर आप YouTube पर खोल कर देखेंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं. देखने के बाद एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया. थैंक यू बच्चों. इट्स ओके.